हाय गाइस, जैसे कि आपने मेरा बैराने वाला ब्लॉग देखा होगा, उस पे मैंने काफ़ी मस्तियाँ की थी। तो अब बैराने के बाद आता है शादी का ब्लॉग। तो ये अपना वेडिंग कार्ड जो था, अच्छा सा वेडिंग कार्ड था। हम शादी में गए थे। वैसे मैंने बारात का, मेरे भाई की जो बारात है उसमें मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मैं डांस करना चाहता था, क्योंकि मेरे घर की पहली शादी थी। मैंने अपने घर की पहली शादी अटेंड करी थी, क्योंकि थी पहली शादी, और पहली बारी में ही दो दो शादियां थी। तो मैंने उसका व्लॉग इतना नहीं निकाला, खाली हम बस हॉल में पहुंचे, मैंने वहां का व्लॉग निकाला था। इधर हमारी बारात निकल चुकी है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। ये हमारे पंकज भैया, कैसे हो? एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। फिर उसके बाद अभिलाष भी है, मतलब जो मेरी बहन के पति है, उनकी बारात है। तो मैंने उनकी छोटी सी एक वीडियो क्लिप निकाली है। तो अभी अभिलाष भैया की बारात आ रही है, और अब अभी हम उसके चलते चुराएंगे। बहुत मजा आएगा। बारात बंद, वापिस चालू है। फिर इसके बाद चलो, ये तो बारात आ गई। फिर बारात आने के बाद, मतलब रितु भैया और मधु दीदी की शादी हो गई थी तब तक। फिर बाकी अभिलाष भैया की और ना बरखा दीदी की शादी बाकी थी। उसमें जो बरखा दीदी ने एंट्री मारी है जोरदार, मतलब इतनी मस्त एंट्री है ना। अब आया रात को रिसेप्शन का टाइम। रिसेप्शन जाने के वक्त मेरे को बहुत देरी हो गई थी, क्योंकि मैं दिन को थक गया था। एक दिन पहले भी मैं 4 बजे सोया था, फिर सुबह जल्दी उठ के 9-10 बजे हम बारात के लिए निकल गए थे। मैंने बहुत मस्त डांस किया था बारात में। फिर रिसेप्शन के टाइम पे मैं थोड़ा लेट गया था, तो रिसेप्शन के टाइम पे हम कजिन्स ने बहुत मस्ती की थी। तो उसमें मैंने मेरे भाई से पूछा था, फोटो सेशन के लिए आप कब जाओगे? वो देखो उन्होंने जवाब कैसा दिया। चलो आपका परिचय। अमर गोदवानी। अमर बोदानी, आप फोटो खिंचाने वहाँ पे कब जा रहे हैं? 12 बजे के आसपास जाएंगे। 12 बजे? 12 बजे ना सब सो जाएंगे ना? पर सो जाएंगे, हमारे पास वो नाई की बोतल पड़ी है, स्प्रे करेंगे हम लोग, उठा देंगे। ऐसे कैसे? बस देखो, शादी में नाश्ता लगता है तो हर कोई टूट पड़ता है, लेकिन खाना इतना कोई नहीं खाता है। भले खाने की प्लेट के भाव बहुत ज्यादा होते हैं उधर, खाना कोई नहीं खाता है। हम लोग भैया डोसे, मंचूरियन ना, ये पानी पूरी, इसके जिसके बहुत शौकीन है भाई। शादी में ये मिल गया तो खाना कैंसिल, और लास्ट में आइसक्रीम तो फिक्स होती है। तो इसमें क्या, डोसे की इतनी बड़ी लाइन थी, तो मैंने देखो डोसा कैसे दिलवाया है उन लोगों को, मतलब मेरे कजिन को। लो 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 यार, डालो। और आगे डाल दिया। आ गया, देखा, मैं साथ में रहूंगा, आ ही जाएगा। देखो दो दो आ गए। इधर कशिश डोसा खाते हुए, जो मैंने लेके दिया, यहाँ सबको डोसा मैंने दिक्कत देके दिलवाया। अच्छा डोसा, एक तो दिक्कत देके दिलवाया तुम दोनों को। गोल भी नहीं किया और पहले ही निकाल दिया, फिर बटाटा ऊपर से डाला। चाहिए ये पंकेश भैया चटनी लेके खड़े हैं, चटनी दिख नहीं रही होगी। हाँ भी दिखी। हाँ ये कब से खड़े हैं, इनको डोसा मिल नहीं रहा एक्चुअली। आपको डोसे बनाने का देते, आपको प्रॉब्लम है तो आलू का अच्छे से नहीं डाला हुआ है। महीने की 3,000 पगार मिलेगी।
डोसा खाने के बाद मैं लेके आया था स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल अब जिसको नहीं पता, मैदे की एक पट्टी होती है, उसके अंदर नूडल्स डालते हैं, गोल करके डल देते हैं, वो स्प्रिंग रोल है। इससे ज़्यादा मेरे को नहीं पता है। तो तभी मैं खा रहा था, तो तभी मेरी जगह अमर भैया जो मेरे कज़िन हैं, उन्होंने मेरा व्लॉग कंटिन्यू किया। बहुत जोरदार व्लॉग था। इतना फेवरेट है कि कच्चा खा रहा है इसको, कच्चा पका हुआ है, गरम लग रहा है फिर भी नहीं छोड़ रहा है, खाते ही जा रहा है। भूख का असली नाम यही है। भूख मार के दो ना थोड़ा, भूख मारो भूख। या तो एक घंटा फ्रिज में रख के वो बेस्ट रहेगा। ये देखो इसको, भूमि को तो कितना शर्मा शर्मा के खा रही है। अरे हमका फ्रीजर रोल भी खा दिया आपको। स्प्रिंग रोल ये तीनों देखो इतने पतले होने। इसको देखो, स्प्रिंग रोल को बेरहमी से खा रहा है, और इसको देखो शर्मा के खा रही है। इसको सामने से कह रहा है मुझे प्लीज खाओ, पर ही नहीं खा रही है। लोग खाना बचा रहे दुनिया के लिए। हाँ, ये तीन लोगों को लगता है मंचूरियन नहीं खाएंगे तो सिक्स पैक्स बनेंगे। हंग्री पीपल का सर्वे इन्होंने बहुत सीरियसली लिया है, इसके लिए कुछ खाना नहीं खा रहे। फैमिली पैक को सिक्स पैक्स बोलता है ये। सामने जो तीन लोग खड़े थे, मेरा एक जुड़वा भाई और वो अमर भैया के एक सगा भाई और एक कजिन, तो वो बोलते हैं कि भाई हम खाना नहीं खाएंगे। तो मैंने बोला सिक्स पैक बनाओगे, तो सामने बोलता है ये देखो फैमिली पैक को सिक्स पैक बोलता है। तो मैंने क्या बोला, वो ब्लॉग में आवाज़ मेरी आई नहीं, मतलब उन्होंने बंद कर दिया ताकि मैं बोल ही नहीं पाऊँ। मैं अभी बता देता हूँ, उन्होंने जब बोला ना मुझे कि भैया ना तू तो फैमिली पैक को सिक्स पैक बोल रहा है, तो मैंने जवाब क्या दिया, फैमिली में कितने जन होते हैं, मोस्टली छः जन तो होते ही ना, तो सिक्स पैक इक्वल टू फैमिली पैक। के बाद मतलब जब हमारा मंचूरियन पूरा हुआ, तब मेरी जयपुर वाली बुआई, उनको दीदी बुलाते हैं, हम बुआ नहीं बुलाते हैं, और उनके हस्बैंड हैं, तो वो जैसे ही आए तो वो लोग भी इतना सिंधी कुछ बोलते नहीं थे। तो मैंने आइडिया लगाया कॉमेडी के लिए कि हम लोग सब सिंधी में बात करें। मेरी सिंधी, मैं जहाँ तक मानता हूँ मेरी अच्छी है, लेकिन मेरा जो भाई है उसकी अच्छी नहीं है। वो बीच में ही, चलो छोड़ो मैं अभी बता दूंगा, तो मज़ा क्या रहेगा, आप सीधा ब्लॉग देखिए सिंधी कॉम्पिटिशन का शादी के अंदर। अभी हमको 5-10 मिनट तक सिंधी में बात करनी है, ये 5-10 लोग है, 5-10 ठीक है। हेलो स्टार्ट। हेलो केरा वाला संगीत आवाज़ असादा कांजी तारीफ अज्ञा कंदा शायद था असे तारीफ केर कर गनवा क्या था गना उन्हें के समझ ही कौन अच्छे हुनर हुनर शायद था जो मैं सेंटेंस बना रहा हूं देखो डिस्क्वालीफाइड डिस्क्वालीफाइड। हम पानी पीने जा रहे हैं, इनको बहुत प्यास लगी है, इनको भी बहुत प्यास लग रही है, हर जगह बस खाली पोज देने मेरे को नहीं इसको। अभी हम शादी में घूम रहे, अभी 2-3 महीनों के बाद इनकी भी शादी है। तो पानी पीने के बाद हमने वहाँ पे पानी के बाजू में आइसक्रीम का स्टॉल था, तो हमने स्टॉल अरे जो भी मतलब था, तो हमने वहां से आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने के बाद थोड़ी बातें बातें करी, तब तक बच गया था 1। शादी में तो रात को हो ही जाते हैं फैमिली मेंबर्स को, जो क्लोज फैमिली मेंबर्स है, तो 1 बच गया था। 1 बच गया था, पूरा हॉल खाली था, लेकिन ये लोग अभी तक फोटोज खींच रहे थे। ये लोग मतलब जो मेरे कजिन्स ये लोग थे, तो उसमें मेरे चाचू ने एक मस्त लाइन बोली है, वो मैंने मेरे व्लॉग का वो बना दिया है। मतलब मैं अभी जब से अगली बार व्लॉग चालू करूंगा तो मैं ये वाली लाइन बोलूंगा। 1 बज गया है और यहाँ पे सब फोटो सेशन कर रहे हैं, देखो सब फोटो सेशन कर रहे हैं। ये हमारी चाची से आए, हाय, ऐसे कैसे आते देखो। सब चले गए, पूरा हॉल खाली है, लेकिन सचदेव फैमिली है, हाँ कौन है, दानी फैमिली है, हाँ फोटो सेशन के लिए वो भी। वो वापस आ रही है फोटो सेशन के लिए, कार में जगह नहीं मिली तो वापस आ गई फोटो खींचने। देखो वापस फोटो सेशन में आ गए, मिलिए मिलिए सबसे मिलिए, मेहरबान कदर जान कदर जान क्या लैंग्वेज है। तो ये लाइन आपको भी बहुत पसंद आई होगी, अब से हर एक वीडियो में
एक ना एक बार तो मैं ये वाली लाइन यूज करूंगा, ये वाली मतलब ये जो वीडियो में थी, मेहरबान कदर जान। उसके बाद मैंने तो कितने लोगों से बुलवाई, देखना मेरे कजिन से। बोलो मेहरबान कदर जान। अभी आप बोलो मेहरबान कदर जान, मेहरबान कदर जान। और बहुत बच्चों के अब्बू जान। अब्बू जान ही है। हाँ मैं रह गया, चलो अभी मैं भी थोड़ा सेल्फी निकाल के आऊँ। आ जाओ मैं। गए क्या बोल रहा है? मेहरबान कदर जान, मेहरबान कदर जान, मेहरबान कदर जान। अरे मेरा ये हमारे ग्रुप की लाइन बन चुकी है ब्लॉग की। मेहरबान कदर जान। हाँ तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको मजा आया होगा। तो अगला वीडियो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि वाइंस होगा कि व्लॉग डालूंगा, वो उस दिन पे डिपेंड करता है मुझे क्या अच्छा लगा। वैसे अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। भूल गए तो भी क्या हो गया, छोड़ो। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट अगर रात को देख रहे हो तो, गुड मॉर्निंग अगर सुबह को देख रहे हो तो, गुड इवनिंग अगर शाम को देख रहे हो। टाटा।